हेलो एवरीवन, पहले हमने देखा कि सिलेनियम को हम कैसे किसी जावा प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सेम चीज किसी मेवन प्रोजेक्ट और बाकी सारी डिपेंडेंसीज के साथ यूज करनी है तो वो कैसे करेंगे, वो अब हम देखेंगे। लेट्स से मैंने एक प्रोजेक्ट लिया जो जावा प्रोजेक्ट ना होके एक मेवन प्रोजेक्ट है। मेवन एक अपने आप में ही डिपेंडेंसी रिजॉल्व करने के लिए यूज होता है। तो जब मैंने मेवन प्रोजेक्ट को लिया और नेक्स्ट किया तो पहले की तरह ये मुझसे इसका नाम तो पूछेगा ही, पर इसमें एक आर्टिफैक्ट आईडी भी होती है, वो ये भी पूछेगा। वर्कस्पेस लोकेशन सेम लिया हमने, यहां पर हम एक आर्क टाइप लेंगे जो एक बेसिकली टेम्पलेट प्रोवाइड करता है मेवन को। उसके बाद मैं इसको एक यूनिक नेम और इसका यूनिक वर्जन दे रहा हूं। यहां पर लेट्स से मैं दोनों का नाम लिखता हूं, लर्न सिलेनियम, और यहां पर लर्न सिलेनियम मेवन। तो यहां पर जब मैंने दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो यहां आप देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है और ये इसके आर्टिफैक्ट आईडी यहां पर आ गई है। तो आप देखेंगे तो जावा प्रोजेक्ट में मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर अपने आप नहीं आया था, ये क्लासेस मैंने खुद बनाई, लेकिन यहां पर एक स्ट्रक्चर अपने आप ही बन के आता है। ये बेसिकली जो हमने आर्क टाइप लिया था वो एक टेम्पलेट के साथ आया था। सो ये हमारी पॉम डॉट एक्सएमएल है। जैसे हमने वहां पर जार ऐड करी किसी भी जावा प्रोजेक्ट में, पॉम डॉट एक्सएमएल में हम डिपेंडेंसीज को यहां एक्सएमएल में ऐड करते हैं। लेट्स से ये मेरी जे यूनिट की डिपेंडेंसी बाय डिफॉल्ट आई है, मैं इसको यूज नहीं करना चाहता तो मैं इसे कमेंट कर दूंगा। तो जो ये फाइल, जो ये डिपेंडेंसी है, ये जार है, ये ऐड नहीं होगी। मुझे चाहिए सबसे पहले सिलेनियम की जार, तो मैंने यहां पर सिलेनियम की जार ऐड कर दी। जो ये टैग है डिपेंडेंसीज वाला वो यहां पर आएगा और इसको एंड भी करेंगे। और ऐसे ही मुझे टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी भी ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे उसकी जार भी चाहिए। तो ऑफकोर्स ये डिपेंडेंसीज के टैग एंड में आएगा, और जब ही आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा, जो कि आप जैसे ही पॉम डॉट एक्सएमएल को डालोगे वो बिल्ड होने लग जाएगा, तो मेवन डिपेंडेंसीज में यहां पर जो जे यूनिट आ रही है वो यहां पर सिलेनियम और टेस्ट एनजी की जार भी दिखाएगा। अब जैसे आपने देखा कि जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट पूरा बिल्ड हो गया तो सारी सिलेनियम की जार्स यहां पर आ गई। सिमिलरली मेरी टेस्ट एनजी की जार भी मुझे यहां दिख रही है। सो फिर से हम टेस्ट करेंगे कि कैसे हम एक क्लास को क्रिएट करके उसके अंदर वो कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो क्या एग्जैक्टली मेरी टेस्ट एनजी और मेवन सॉरी टेस्ट एनजी और सिलेनियम यूज हो रहा है? सो पहले हमने मेन मेथड को डिफाइन किया था जो जावा के लिए यूज होता है, लेकिन अभी हम टेस्ट एनजी यूज कर रहे हैं तो हम लोग मेन को छोड़ के एट द रेट टेस्ट एनोटेशन के साथ उस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैंने इसको इंपोर्ट किया और यहां पर मेरा टेस्ट केस क्रिएट हो गया। फिर से मैं एक ड्राइवर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा अब यहां पर वो कहेगा कि इसे इंपोर्ट कर लीजिए। ऐसे ही फायरफॉक्स में
इसको इंपोर्ट हो जाएगा, और जैसे ही मैं यहां पर कॉलन लगाऊंगा, सॉरी सैमल कॉलन लगाऊंगा, तो ये कोई भी एरर नहीं देगा। तो हमने अभी ये देख लिया कि हम लोग कैसे इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और कैसे इनके मेथड्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया है। सो लेट्स से ये मेरा मेथड है। अब इस कमांड से क्या होगा कि जो मेरा ड्राइवर ऑब्जेक्ट है उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया फायरफॉक्स के ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब ये है कि जो भी ब्राउजर खुलेगा वो एक फायरफॉक्स ब्राउजर होगा। तो इससे मैं फायरफॉक्स ब्राउजर खोल सकता हूँ। तो जो मैंने रन एज टेस्ट एनजी किया, तो ये मेरा एक टेस्ट केस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया है। और ये अब क्या करेगा, जो मेरे लोकल होस्ट पे फायरफॉक्स पड़ा है, जो मेरे सिस्टम में फायरफॉक्स इंस्टॉल्ड है, उसे एग्जीक्यूट करेगा यानी कि रन करेगा, और ये यहां पर फायरफॉक्स खुल गया। अब मैं नीचे आके देखूंगा अपने टेस्ट केस में यहां पर, तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा टेस्ट केस रन हो गया और कोई फेलियर नहीं था। और मैंने भी देखा कि यहां पर एक फायरफॉक्स ब्राउजर खुला है। इसे बंद कर देते हैं और अपने दूसरे सैंपल क्लास में जाते हैं जहां पर हमने जार को खुद से इंपोर्ट किया था, और यहां पर रन एज जावा एप्लीकेशन होगा क्योंकि हम यहां टेस्ट एनजी यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब मैंने इसको यहां पर रन करूंगा, बस ये सेव करने के लिए पूछ रहा है, और उसके बाद ये फिर से सेम चीज करेगा। टेस्ट एनजी हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि उसके कुछ अपने फीचर्स हैं और मेवन के भी कुछ अपने फीचर्स हैं, तो हम उसी को यूज करेंगे। पर आप चाहो तो सिंपल जावा प्रोग्राम्स में भी, जावा एप्लीकेशंस की तरह भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यह यहां पर इसने फिर से करेक्ट किया, मेरा फायरफॉक्स लॉन्च हो गया। और जब ये लॉन्च हो गया तो इसने अपने आप से ही वो टेस्ट बंद कर दिया। तो अब मेरा ये सिंबल नहीं आ रहा टर्मिनेट का क्योंकि ये ऑलरेडी टर्मिनेटेड है। ये एक सिंपल, बहुत ही सिंपल ब्राउजर लॉन्च हमने देखा। अब आगे हम डिटेल में एक एक कंपोनेंट को, एक एक फीचर को सिलेनियम के अच्छे से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे अपने एप्लीकेशंस को ऑटोमेट कर सकते हैं और कैसे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को बना सकते हैं, चाहे वो लोकल सिस्टम यूज करे, चाहे वो रिमोट यूज करे, कैसे सिलेनियम की ग्रिड्स को यूज कर सकते हैं और कैसे अपने कीबोर्ड्स, माउस, एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ हैंडलिंग्स जो हम सिलेनियम के थ्रू कर सकते हैं वो कैसे होती है। तो एक बार आपने सिलेनियम को अच्छे से समझ लिया तो आपकी टेस्टिंग लाइफ, आपका जो ईज है वो इतना बढ़ जाएगा कि आपको कुछ भी टेस्ट करने के लिए बार बार सेम एक्शन खुद से परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब चीजें अपने आप ही सेलेनियम के थ्रू ऑटोमेट हो जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।